आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वॉइस ऑफ स्पेशल एबल्ड पीपल्स के संस्थापक श्री प्रणव देसाई जी, करोड़ों दिव्यांगजनों की प्रेरणा स्रोत और विश्व के प्रथम दिव्यांग पायलट जेसिका जी, मोटिवेशनल स्पीकर स्पर्श शाह जी, विभिन्न देशों से जुड़े हुए कलाकारगण, दिव्यांगजन एवं अन्य सभी गणमान्य नागरिकगण, मैं सर्वप्रथम आप सभी का भारत सरकार की ओर से विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है कि आज के इस कार्यक्रम में 53 देशों के 4,210 लोगों ने आर्ट फ्रॉम हार्ट प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर समावेशी समाज के लिए अपनी कल्पनाओं को रंगों के माध्यम से उकेरा है। मैं इस हेतु सभी प्रतिभागियों, विजेताओं एवं आयोजकों को बधाई प्रेषित करता हूं। मुझे यह भी जानकारी दी गई है कि प्रणव देसाई जी ने उनके नेतृत्व में संस्था द्वारा सुगंधता के क्षेत्र में भी संपूर्ण भारतवर्ष में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए जीवन और बेहतर बने, इसके लिए नई तकनीकी एवं उत्पाद को तैयार करने हेतु भी आपके द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्य सराहनीय है। मैं इस अवसर पर आप सभी को बताना चाहूँगा कि भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिव्यांगों के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को संसद में पारित कर लागू किया है, जिसमें दिव्यांगजनों को स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा हेतु व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहली बार हमने दिव्यांगजनों की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया है। दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा के उचित अवसर मिले, इस हेतु देश में पहली बार प्री मैट्रिक से लेकर विदेश में अध्ययन करने हेतु उनको छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना भी शुरू की है। देश के दिव्यांगजनों को आने जाने एवं कार्य करने में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो, इस हेतु भारत सरकार ने सुगम्य भारत अभियान शुरू किया है, जिसमें सार्वजनिक भवनों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, वेबसाइट्स आदि को सुगम्य बनाने का कार्य अनवरत जारी है। देश के सभी दिव्यांगों का एक केंद्रीकृत डाटा बैंक तैयार हो, जिसमें योजनाएं बनाने में आसानी रहे, इस हेतु यूनिक आइडेंटिटी डिसेबिलिटी कार्ड बनाने का कार्य भी भारत सरकार ने शुरू किया है, तथा अभी तक 50.33 लाख कार्ड बनाए जा चुके हैं। दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग बांटने के क्षेत्र में भी हमने महत्वपूर्ण कार्य करते हुए विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। कोविड-19 के दौर में दिव्यांगजनों के लिए हमने समय समय पर मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर उनकी सुरक्षा की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि मेरा मंत्रालय और भारत सरकार दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर उनको प्राप्त सभी अधिकारों को संरक्षित करने हेतु कटिबद्ध है। आप सभी को एक बार पुनः विश्व दिव्यांग दिवस की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।